दोस्तों फाइनली हम लोग बैठ गए हैं। कितना बड़ा थाल है ये आमरस। यहाँ पे आप अनलिमिटेड ले सकते हो, मतलब जब तक आम का सीजन है आमरस यहाँ पे अनलिमिटेड है। यहाँ ये आम की लॉन्जी है, बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा एज यूजुअल हमेशा की तरह भाई कीमत की। ओके बहुत रीजनेबल प्राइस यार, 600 रुपए में क्या मिलता है यार, कुछ भी नहीं मिलता 600 रुपए में। यार मैं आपको प्यारी थालियां यार उधर, मैंने आज तक पाकिस्तान में कहीं नहीं सुना कि मीठी दाल। मीठी दाल अच्छा कड़ी, इधर दो तीन किस्म की। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं भाई 28 kg की जो है महाराजा थाली के बारे में देखने वाले हैं, जो कि पुणे में ये रेस्टोरेंट है भाई। और 28 kg की थाली होती है महाराजा थाली और इसमें अनलिमिटेड फूड होता है। तो भाई ये वीडियो बड़ा मुझे खतरनाक लग रहा है, तो देखते हैं भाई और इसमें जो है रिएक्शन वाले भी कितने हैरान होंगे भाई, ये तो मैं वीडियो के एंड में देखेंगे हम। तो भाई इंडिया में जो है खाने की बहुत सारी वैरायटीज हैं, हर स्टेट की अपनी एक खासियत है खाने की। तो भाई ये महाराजा थाली जो है देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है और ये इसका अमाउंट कितना है और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। तो पुणे में ये बहुत फेमस होटल है, तो वहाँ पे ये देते हैं भाई, और होटल का नाम भी कुछ ऐसे करके है, वो वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और मैं, जैसा कि आप सबको पता है, मैं हूँ महाराष्ट्र पुणे में, और आज मैं आ गया हूँ महाराजा भोग रेस्टोरेंट में, जिनकी ब्रांचेज हैं वो आपको मुंबई, पुणे, इवन यूएई, दुबई में और बोस्टन में भी मिलेंगी, यूएसए में। इनकी जो खासियत है वो ये है कि जब आप यहाँ आते हो तो आपको जो सर्व किया जाता है वो बिल्कुल महाराजा स्टाइल में, बड़े से थाल में आपको 30 से भी ज़्यादा चीज़ें सर्व की जाती हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं इनकी हॉस्पिटलिटी और इनका टेस्ट कैसा है। थैंक यू। तो ये यहाँ पे लोग जिस तरह से ये वेलकम है, एक तरीके ये वेलकम है, सेल्फी पॉइंट है। अरे वाह, तो ये एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ इस तरीके का आपको महाराजा ट्रीटमेंट दिया जाता है, और आप इस तरीके से बैठ सकते हो और सेल्फी ले सकते हो, और नाम के साथ जा रहा है महाराजा मिल, तो बहुत सही है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बैठ गए हैं और ये है हमारा थाल, आप देख सकते हो कितना बड़ा थाल है ये, और इसमें 4 लोग आराम से बैठ करके एक साथ खा सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही सही है, मेरे ख्याल में यही कारण है कि महाराजा भोग लोग आते हैं, बैठते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं महाराजा स्टाइल फूड। और पूरा जो फील आ रहा है ना, वो रजवाड़ों वाला फील आ रहा है, बैठ के इतने बड़े थाल में खाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं हूँ महाराजा भोग के किचन में, तो अभी मैं इनसे 2 डिशेस बनवाऊंगा जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस है और जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है ना थाली में। मैं बना रहा हूँ अभी कैरी का लोंचा। हम लोग ऑयल डाल दें सबसे पहले, इसमें हम लोग ये मसाला डालेंगे। देखिए सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्ची और हींग हम लोग लेते हैं, ये हींग ले लिया। जब तक हमारा माल पक गया इसमें कैरी डाल दी, हल्का गुनगुना ब्राउन कलर हो गया मसाला, हल्दी, मिर्च और मिर्ची तो हमने पका दिया हल्का हल्का। अभी ये पानी डाल दिया हमने, सब्जी के अनुसार अपन को नमक डालना है, क्या आएगा उसमें शक्कर, जितना भाजी है खट्टा मीठा अपन को जितना शक्कर चाहिए वो हिसाब से हम लोग डालते हैं। जब अपन को खट्टी लग रही है तो और शक्कर डाल दो उसमें थोड़ी सी, ये बहुत ही जल्दी पकने वाला है, सिर्फ समझो उनके 5 मिनट में सब्जी बन जाती है। हाँ राजस्थानी पनीर, ये जो पहले तेल ले लिया उसके बाद में हम लोग जीरा डाल रहे हैं, जीरा डाल दिया, इसमें मैं डाल रहा हूँ प्याज डालने जा रहा हूँ, और ये डाल रहे हैं अपना लहसुन, ये लहसुन है खाने में बहुत बढ़िया लगेगा, ये मैं डालने जा रहा हूँ कश्मीरी मिर्ची, तो वो मिर्ची ले रहा हूँ सर, और ये लिए हमने हल्दी, और इसमें हल्का सा थोड़ा सा हम लोग हींग लेते हैं, हींग ये डाल दिया मसाला, पानी ये पानी जले ना, मसाला जले नहीं, और तेल छोड़ने के बाद में अपन डालेंगे इसमें ग्रेवी, ये है ग्रेवी, काजू है, हल्का सा कांदा रहता है, अभी मैं डालने जा रहा हूँ इसी में, ये ग्रेवी डाल दी। सब्जी के अनुसार हमको नमक डालना है, मैं ले रहा हूँ ये कस्तूरी मेथी है, किचन किंग मसाला,
देखो कितनी सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही ग्रेवी बन गई है, बिल्कुल नरम है, एकदम फर्स्ट क्लास सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट पनीर है, क्रीम वाला है, ये बहुत ही बढ़िया है। ये देखो दोस्तों, ये बन गई हमारी पनीर, बहुत बढ़िया है पनीर बन गया। ये देखिए सारी जो डिशेज यहाँ पे थाली में सर्व की जाती है वो सारी यहाँ पर लगी हुई है। तो आइए हम पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज क्या क्या है और क्या क्या यहाँ पे सर्व होता है। आलू और टमाटर रस्सा वाले की सब्जी, लहसुन की करी और टमाटर का सॉस है इसमें, क्या बहुत बढ़िया। और ये है छोले, छोले छोले पंजाबी, छोले पंजाबी, हाँ जी। ये स्वीट दाल है, मीठा दाल, मीठा दाल गुजराती, गुजराती दाल, राजस्थानी तीखी दाल, दाल बटी जो हम लोग राजस्थान में जो तीखी दाल बनाते हैं, राजस्थानी कड़ी है, छाछ वाली, हाँ छाछ वाली जो दही की बनाते हैं हम लोग, दही तोड़ा, दही तोड़ने के बाद में हम लोग इसको राई मेथी जीरा लहसुन का प्याज, हाँ जी वही है। ये है फजीता कड़ी, जो मतलब क्या इसमें आम रस डाला हुआ है, अच्छा हाँ ये इसमें आम रस है, मीठा कड़ी रहता है। तो अभी ये क्या सेक्शन है सर? ये सर है अपना गटा पुलाव, राजस्थानी गटा पुलाव, अरे वाह, जिसको काबुली भी बोलते हैं, हाँ जी खिचड़ी है, राजस्थानी खिचड़ी नहीं, मूंग का दाल और इसमें राइस है, अच्छा कड़ी और अपना इसमें घी डालेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। ये क्या ये है? गुलाब हलवा, गुलाब हलवा, हाँ मतलब दूध का बनता है, अच्छा दूध उबाल उबाल के इसको हम लोग कट बना देते हैं, फिर उसमें बादाम है, इसमें हम लोग बादाम डाल के जो बादाम कतरी आती है उसको हम लोग काट के इसमें डालते हैं। क्या बात, ये है मेथी का गेगा सर, बेसन और मतलब मेथी है, मेथी है, हाँ इसमें दही भी डाला हुआ है और मसाले में मतलब बहुत बढ़िया अच्छी और सुंदर आइटम बनती है। और तो हम भी अब स्टार्ट करते हैं, अब सर्विंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, आप एक सिक्का लेकर के इसमें डालेंगे जिससे एक भाव आता है, मतलब ये एक कल्चर है इंडिया का। जो इसके पीछे इनकी मानसिकता है वो ये है कि हर थाली पर गौशाला में इनकी तरफ से कुछ पैसा डोनेट होता है, इस वजह से भी ये करवाया जाता है। राजा महाराजाओं को जैसे पहले हाथ धुलवाए जाते थे वैसे ये यहाँ पर आपको भी हाथ धुलवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है सबसे पहले वेलकम ड्रिंक, केसर चंदन का शरबत, देखिए बिल्कुल जो है ना गोल्डन शरबत है ये देख सकते हैं आप। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ यूटेंसिल्स इनके जो हैं वो ब्रॉन्ज के हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि आयुर्वेदा बोलता है कि इसमें जो खाना है वो प्योर रहता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, इसी वजह से ये लोग ये यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो अभी ये स्टार्ट हो गया है खाना आने के लिए, तो सबसे पहले नींबू सैलेड है, ग्रीन चटनी, इमली चटनी स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी थाली की। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये आ गया है ढोकला, ये है वर्सा डोला, ये एक डिश है यहाँ पे जिसमें चाइनीज आइटम को इसमें स्टफ्ड करके इसको बिल्कुल डीप फ्राई करके बनाया जाता है, और ये थोड़ा सा पिकल इन्होंने यहाँ पर रखा है। और अभी आ गया है हमारे पास में ये है कश्मीरी दही बड़ा, सही बोल रहा हूँ, हाँ ये है कश्मीरी दही बड़ा। तो ये देखिए ये आ गया कश्मीरी दही बड़ा, बहुत सही। तो ये स्टार्टर वाली चीज़ आ गई थी, अभी मेन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अभी सबसे पहले क्या है? तो ये मेथी और जो बेसन है उसका बनता है ये, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया, ये पनीर शहजादी है इनका, और इसका मेकिंग पूरा हमने आपको दिखाया था, आपको याद होगा, बहुत ही सही रेसिपी है ये और बहुत ही ईजी भी। नेक्स्ट क्या है? आलू टमाटर। ये आ गए जी, अब आलू टमाटर हमारे में आ रहा है गर्म है, ये देखिए टमाटर और आलू की सब्जी। ये छोले, पंजाबी छोले, ये देखिए पंजाबी छोले। अभी आ गई है दाल, ये कौन सी है सर? ये राजस्थानी जो छाछ की बनती है, और ये है दाल तड़का बनती है, वो है फिजीतो कड़ी, ये आमरस वाली कड़ी है ना, बहुत बढ़िया। अभी ये गुजराती दाल मीठी होती है, और ये आमरस वाली कड़ी जो है ना आपको आम के सीज़न में महाराजा भोग पे ही मिलेगी, बाकी और जगह मैंने सब जगह ट्राई किया ये नहीं मिलती है। ये जी आ गया है आमरस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, आमरस यहाँ पे आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, मतलब जब तक आम का सीज़न है आमरस यहाँ पे अनलिमिटेड है, सही बोल रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया। ये है जी गुलाब हलवा, ये आप देखिए इसमें डल रहा है गुलाब हलवा, और इसको गुलाब हलवा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन होती है पेटल्स डाले जाते हैं गुलाब के, और उसके अलावा इसमें जो क्रश करके बादाम भी डाले जाते हैं, तो ये बहुत क्रंची होता है और हलवा होता है गरम गरम मस्त। तो अभी एक और सब्ज़ी आ गई है जो कि हमने जिसकी आपको रेसिपी दिखाई थी, जी हाँ ये आम की लौंजी है, और ये है बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। अभी ये आ गया, ये है जी मलाई छेना, और ये एक स्वीट डिश है जो कि खाने के बाद में हम लोग इसको खाएंगे। तो ये आ गई जी हमारी रोटी, और ये है आलू का पराठा, ये है बेत पूड़ी, बहुत बढ़िया। ये जी बटर मिल्क अब छाछ जिसको बोलते हैं, ये देखिए ये आ गया बढ़िया छाछ, ये आ गया मसालेदार खिचिया पापड़, तो खिचिया पापड़ को भी यहाँ पे रख दीजिए आप, बहुत सही।
तो ये आगे जी पिकल आइटम्स, तो ये है मैंगो चटनी, ये मिर्ची का टिपोरा है और ये है मैंगो पिकल, और इसको देते हैं ये बिल्कुल प्याज के लच्छों के साथ में। तो ये है जी मिर्ची के टिपोरे जो कि राजस्थान में बहुत चलते हैं, और ये आम का अचार, ये चटनी आम की, और ये आगे प्याज के लच्छे, राजस्थानी गट्टा पुलाव है ये। तो इसके ऊपर ये डल गया जी घी, ये देखिए ये है खिचड़ी, ये देखिए जी इसमें भी डल गया है घी। तो ये आ गए हैं स्टीम राइस, ये डल गए हैं स्टीम राइस, और एक घी डाल करके दिया जाता है। तो ये जो है हमारी पूरी जो थाली है ये कंप्लीट हो गई है, ये देख सकते हैं कितने सारे आइटम्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये लग गई है हमारी महाराजा भोग थाली, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेलकम ड्रिंक से, जो कि है ये केसर चंदन ड्रिंक, ये देख सकते हो आप बिल्कुल जो है गोल्डन कलर की ड्रिंक है, पी करके देखते हैं। हाँ, मतलब ना पी के ना रिफ्रेश हो जाओगे पहले ही घूंट में, जैसे हम घर में वो रेड वाला बचपन में शरबत पीते थे ना ठंडा, वैसा सा ये आपको टेस्ट करेगा, थोड़ा सा चंदन का फ्रेगनेंस है वो आएगा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो स्टार्टर आया था वो था ये, ये एक चीज़ है जिसमें जो चाइनीज स्टफिंग के साथ में दिया जाता है। तो ये क्या है ये देख लेते हैं एक बार, ये देखिए इसको खा करके देखते हैं, ये उस तरीके की फीलिंग है इसमें जैसा जो फ्राइड मोमो में खाया होगा ना, वैसा सही फीलिंग है इसमें। तो आप एक तरीके से इसको फ्राई चाइनीज गुजिया बोल सकते हो। तो ये है जी ढोकला जो सेकंड हमें सर्व हुआ था, ये देखिए कितना सॉफ्ट है फीलिंग है ये देखिए, अभी इसको भी खा करके देखते हैं। ये इसमें ना मसाले की फीलिंग की भी है, मीठा और खट्टा सा टेस्ट आपको देगा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढोकला का। जो स्टार्टर्स थे दोनों स्टार्टर्स खा करके देख लिए, बहुत अच्छे थे। अभी हम रोटी ले लेते हैं, ये है जी गेहूं की रोटी, और ये रोटी लेने के बाद में सबसे पहले जो मैं ट्राई करना चाहूँगा ना वो है ये पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि यही वो पनीर की सब्ज़ी है जो हमने अंदर बनवाई थी, प्रिपरेशन आपको पूरी दिखाई थी। जो पनीर है वो बहुत सॉफ्ट है इसमें, और ये पूरा पनीर मैं इसमें ले रहा हूँ, और ये ग्रेवी के साथ में। तो ये है जी मेरा निवाला, ये देखिए काजू की ग्रेवी के साथ में पनीर की सब्ज़ी, थोड़ी चटपटी है, मतलब जो फ्लेवर्स है ना वो सही आ रहे हैं इसमें। आप देख सकते हो कितनी भीड़ लग गई है यहाँ पे, जब हम लोग आए थे यहाँ पे तब स्टार्ट ही हुआ था, 12 बजे यहाँ की एंट्री स्टार्ट होती है, और उसके बाद में अभी कुछ 1-1.5 बजे का टाइम हो रहा है, और आप देख सकते हैं पूरा भर चुका है, और बाहर वेटिंग भी चल रही है, अगर आप बाहर भी देखेंगे तो बाहर वेटिंग चल रही है। ये देखिए आप लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का, जो यहाँ का फील है वो बिल्कुल अलग है, कौन नहीं चाहेगा महाराजाओं की तरह बैठ के खाने के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अभी ये लेते हैं आलू की सब्ज़ी, और इन्होंने सर्विंग थोड़ी 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 की है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ अगर आप खाओगे तो फूड वेस्ट होता है, आप चाहो तो बीच में भी ले सकते हो। तो ये आलू की सब्ज़ी है, और ये देते हैं ये इस टमाटर के साथ में, तो हम इस टमाटर के साथ में लेते हैं, ये देखिए प्रॉपर जो पूड़ी के साथ खाने वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है ना घर में, टमाटर की ग्रेवी वाली, बहुत सही। ये आलू का पराठा है, पराठे को अपन खाते हैं अब इस करी के साथ, यह है राजस्थानी कढ़ी जो कि छाछ से बनती है, ये कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप। मैं यही देखना चाहता था कि जो करी है खट्टी है कि नहीं, जो छाछ की खटास होती है ना बिल्कुल आ रही है बिल्कुल, और ये उसी तरीके की कढ़ी है दोस्तों जो आपने कढ़ी समोसा कढ़ी कचौरी में खाई होगी, बिल्कुल उसी तरीके की है कढ़ी, बेस्ट है यार कढ़ी, बहुत सही थी। अब जो चीज़ें ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती हैं पहले उनको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है जी खींच, ये देखिए ये खिचड़ी है, ये इसके ऊपर घी भी लगा हुआ है आप देख सकते हो। तो ये सबसे पहले अपन एक बार ट्राई करते हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल गरम गरम हो, घी डला और आपने बाइट लेंगे इतना सही टेस्ट करती है ना, कई बार तो मुंह भी जल जाता है, बट अभी ये ठंडी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बट उसके बाद भी जो टेस्ट आ रहा है ना बहुत सही आ रहा है। पहले अभी ये एक बैदमी पूड़ी है आप देख सकते हो, और इसकी जो प्रिपरेशन होती है उसकी प्रिपरेशन में इसके आटे में जो बीट रूट होता है उसको भी गूंदा जाता है जिससे इसका कलर आता है। तो यह है जी कलर, छोटी सी पूड़ी है, ये एक ही निवाले में अपन खा सकते हैं, बट इसको थोड़ा निवाले करते हैं, और इसके साथ में जो जाएगा वो है ये देखो, तो यह है जी बाइट, उसमें जो मसाले डलते हैं ना जैसे किचन किंग मसाला और ये मसाला वो मसाला, तेज पत्ता डलता है इसकी मेकिंग में, उसका जो फ्लेवर है ना तो मुंह के पहले निवाले में आपको पता चल जाएगा कि आप पंजाबी छोले खा रहे हो, बहुत सही है। मतलब अभी एक भी चीज़ मेरे को ऐसी नहीं लगी कि जो अपने स्वाद से थोड़ी नीचे हो, ताकि मैं बोल पाऊँ कि नहीं आ रही है अच्छा नहीं लगा, अभी तक जितनी चीज़ें खाई है बहुत ही बेस्ट है टेस्ट के मामले में। अब ज़्यादा देर नहीं करके एक चीज़ हम लोग यहाँ पर खाएंगे जो कि है जी ये आम रस, आम का सीज़न चल रहा है, एक बार इसको पहले पी करके देखते हैं, ये देखिए ये
मतलब ना सीजन का जो मीठा आम होता है ना, और उसको पूरा प्रॉपर उसका जो जूस बना के ये जो आमरस बना है ना, इतना क्रीमी, इतना बिल्कुल फुल ऑफ फ्लेवर। वाह, हाँ रोटियाँ आप, हाँ रोटी और एक पूड़ी भी सर्व कर दीजिए। थैंक यू, नहीं पराठा नहीं, थैंक यू। तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसके लिए पहले आपको सर्व कर दिया जाता है। रोटी लेते हैं, और ये है फुल्का। बिल्कुल आपने अंदर देखा होगा रोटी कैसे बन रही थी। एक गोल तवा था, उस पर रोटी को पहले लगा करके सेका जा रहा था, और उसके बाद बर्नर पे निकाल के देखिए किस तरीके से ये फूल करके ना बिल्कुल अलग हो जाता है। और उसके बाद में इस पर लगाया जाता है घी, और घी लगाने के बाद गरम गरम आगे प्लेट में सर्व कर दिया जाता है बिना देरी के। और अब हम इसको खाएंगे लौंजी के साथ। यह है जी लौंजी। आपको मैंने इसकी पूरी मेकिंग दिखाई थी, और ये राजस्थान और यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत खाई जाती है। आम का सीज़न आते ही ये खट्टी कैरी का बनता है। इसको जी देखिए, ये पूरा जो है ना एक रोटी के साथ में लेते हैं अपन। खट्टी कैरी और चीनी, देखो खाना तो अपनी जगह पर है, ये फील भी अपनी जगह पर है, बट जो एम्बियंस का फील है ना, मैं आपको बताऊं, ये एक मॉल में है महाराजा भोग पुणे में, और इस मॉल का नाम है द पवेलियन। और ये द पवेलियन जो मॉल है ये बहुत ही सही है, बहुत बड़ा है, और यहाँ की जो सिक्योरिटी है बहुत ही टाइट है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मॉल में नहीं एयरपोर्ट पर आ गए हो। और वो सिक्योरिटी करके आप जब ऊपर आएंगे तो सेकेंड फ्लोर पर ये है, एम्बियंस आपके सामने है, लोगों की भीड़ आपको बता ही रही होगी कि यहाँ का टेस्ट कितना अच्छा है, कि मुझे भी लग रहा है। तो दोस्तों आप फजीता कटा कड़ी ये बोलते हैं, ये एक तरीके की कड़ी होती है जिसको बनाते हैं कड़ी की तरह छाछ के साथ में, लेकिन इसमें थोड़ा सा आमरस भी मिलाया जाता है। तो आप कंसिस्टेंसी और कलर देख सकते हो, और ये यहाँ की स्पेशल है, जो कि आपको कुछ प्रिपरेशन जो हैं वो आपको हमेशा महाराजा भोग में ही मिलेंगी, जिसमें से एक ये फजीता कड़ी है। अब इसको एक बार के लिए तो अपन, क्योंकि ये नई चीज़ है तो इसको ऐसे खा करके देखते हैं, थोड़ी खट्टी है लेकिन जो छाछ है वो खटास दे रही है, आम जो है वो थोड़ा सा मीठापन ला रहा है, और जो जीरे का तड़का है वो अपना एक फ्लेवर दे रहा है। तो इस तरीके से एक ये जो है फ्लेवरफुल करी है, खट्टी मीठी, इतने फ्लेवर्स है ना इस थाली में कि आप खाते रहोगे, फ्लेवर्स ख़त्म नहीं होगा, अगर आपका पेट भर जाएगा। फिलहाल तो नहीं, थैंक यू। सारी चीज़ें हमने खाई, सारी चीज़ें टेस्ट की, आपको टेस्ट बताया। तो दोस्तों जो इसकी प्राइस है वो है 618 प्लस GST, जो कि है मंडे टू फ्राइडे। और अगर आप वीकेंड्स में आते हैं, सैटरडे संडे आते हैं, या किसी पब्लिक हॉलीडे पे आते हैं, तो यही थाली आपको कॉस्ट करती है 666 प्लस GST। और क्योंकि फैमिली होती है, फैमिली में बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे अगर 5 से 10 साल की उम्र के हैं तो उनकी भी अगर आप थाली लगवाते हैं तो वो आपको थाली सिर्फ कॉस्ट करती है 333 प्लस GST। तो ये थे इसके प्राइजेस। एम्बियंस आपने देख लिया, प्रेजेंटेशन आपने इनकी देख ली, टेस्ट एक नंबर है, सारी चीज़ों में अपने अपने फ्लेवर्स बहुत ही रज के आ रहे हैं। तो अभी हमारे जो लास्ट रह गया है अभी, वो है मीठा, जो कि है ये। तो जी ये है गुलाब हलवा। इसकी आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल जो आप ये देख रहे हो ना दरदरापन, ये जो है ये है जो पिसा हुआ बादाम होता है ना वो इसमें डलता है, रोज़ पेटल्स वो भी इसमें डाले जाते हैं मेकिंग के टाइम पे। खा करके देखते हैं टेस्ट क्या बोलता है। गुलाब हलवा जोधपुर पाली में बहुत फेमस है, मतलब वैसा टेस्ट देना अपने आप में, मतलब क्या बोलूँ अब, बहुत सही लग रहा है ये। अगर आप मीठे के शौकीन हो ना, शर्त लगा सकता हूँ आप इसके टेस्ट को ना बोल ही नहीं सकते, इतना सही टेस्ट कर रहा है ये। तो मतलब पूरा जो जब आप थाली खा करके ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि आ हा हा मज़ा आ गया। तो पूरी थाली ख़त्म होने के बाद में एक और चीज़ ये लोग देते हैं, वो होता है ये पान। ये जी पान है, पैक करके दिया है इसको। तो ये है पान, इसके अंदर आप देख सकते हो क्या स्टफ्ड है, मेरे को नारियल तो दिख रहा है, उसके अलावा ये गुलकंद और नारियल और सौंफ, तीन चीज़ों का जो है। तो अभी ये खाते हैं पान। थाली की तारीफ तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा एज यूजुअल हमेशा की तरह भाई कीमत की। ओके, बहुत रीजनेबल प्राइस यार, 600 रुपए में क्या मिलता है यार, कुछ भी नहीं मिलता 600 रुपए में। 600 रुपए में आपको इतना ज्यादा जो है वो खाने को मिल रहा है। मौसम अभी देखना, इसी तुम्हारी बात पर ईमेल आ जाएगी कि भाई तुम लोगों को तो प्राइसेस ज्यादा लगती ही नहीं है, हमें ईमेल वैसी भी आती है यार। लिटरली मॉल के अंदर जो है ना, अगर आप 600 रुपए में आपको इतना अच्छा खाने को मिल रहा है ना, तो हमारे यहाँ के मुताबिक जो है भाई बहुत रीजनेबल और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं अपने जैसे बंदे की बात करूँ, आप एक टाइम इतना खाना नहीं खा पाते, मतलब जो कि मैं ट्राई करना चाहूंगा, एक गुलाब का हलवा और एक वो जो कच्चे आम की जो बनाई थी डिश बनाई है, कैरी बोल रहे थे ना उसको,
उसमें मेरे ख्याल में गुड़ भी डलता है शायद, वो बहुत डिफरेंट थी, मीठा खट्टा और वो सारा कुछ। हाँ वो शक्कर कह रहे थे ना कि बीच में ऐड करनी है, वो बहुत डिफरेंट एक चीज़ मिल रही। ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, बाकी छोले जो हैं वो चलो थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क कुछ सारे कुछ मिला के लेकिन खाते रहते हैं उस चीज़ को। फिर बाकी आलू का पराठा हो गया या फिर आम रस भी ठीक था, मुझे समझ आ रहा था कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा होगा। देख सकता मुझे पता हो जाएगा, इतनी भूख सीरियसली इसको देखकर लग रही है, लग जाती है यार, क्या क्या थालियां हैं। अच्छा यार मैं आपको प्यारी थालियां हैं यार उधर, मैंने आज तक पाकिस्तान में कहीं नहीं सुना कि मीठी दाल, मीठी दाल। अच्छा कड़ी तो दो तीन किस्म की भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। आम रस इस तरह भाई साहब मैंने नहीं खाया, नहीं खाया। यार यार मुझे बर्तन बहुत ज्यादा आप लोगों के पाकिस्तान में इस तरह का आम रस बनता नहीं है। तांबे पीतल के बर्तन में कहते हैं खाओ ना अगर आप, तो आपको बहुत सेहत के लिए मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। तो गाइज हम लोगों ने देखा कि महाराजा भोग थाली जो है वो किस तरह का से जो है वो सजाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। यार कसम से मेरा बहुत दिल कर रहा था, मुझे देख के भूख लगी, क्योंकि इंडियन खाने यार मैंने सुने बहुत अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन के खाने जो होते हैं ना वो हर जगह बहुत फेमस होते हैं। तो गाइज आप लोगों ने कभी ये सारा चीजें ट्राई की है, मेरा तो बहुत दिल किया इसको देख के ट्राई करने का। और वहां पर जो है तो भाई जान अम्मा जी देखा तो सबसे पहले तो मैं शॉक हो गया प्राइस देख के, वो भी इतनी बड़ी मतलब थाली की आप देख रही थी, महाराजा वाली फीलिंग आती है। आप देख लें 6666 मतलब आप अंदाजा लगा रहे, मैं तो समझ रहा था इसकी कीमत होगी इंडियन प्राइस में कम से कम 2500-2000 तो होगी, जितनी मतलब डिशेस इसके अंदर लग रही थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, बात इंडिया है, इंडिया के खाने और लुक आपको देखो, महाराजा जैसी लुक, जैसे होटल में घुसते ही ना तो महाराजों की लुक आनी शुरू हमारे को क्यों दर्द देते। अगर जो इंडिया में है वो तो ठीक है, देख लेंगे उनका फिर मन जाके खा तो सकते हो, बाहर जाके या जो बेचारे ह्यूस्टन में वो देख लेंगे। मैं अभी न्यूयॉर्क में था क्या शायद, पता नहीं मैंने ध्यान दिया, अभी फिर से देखते हैं। नहीं दुबई में, यूएई में था, यूएसए में, ह्यूस्टन तो मैंने देख लिया था, ह्यूस्टन में था और कहीं नहीं था। और भाई आपने वीडियो देखा भाई, और इंडिया में खाने की क्या बात है भाई, ये तो एक रेस्टोरेंट की बात है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में जो है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के डिशेस मिलते हैं। और हमारे यहाँ जिस स्टेट में चले जाओ भाई, उस स्टेट का अलग एक अपना खाना मतलब जैसे खाने का डिशेज का एक अलग ट्रेंड है वहाँ पे। तो हर स्टेट में हमारे यहाँ अलग अलग अपना एक खाना है, तो वहाँ पे जहाँ जाओगे उसके रीजन के हिसाब से आपको खाना मिलेगा। पर भाई ये जो अभी वीडियो में देखा हमने, तो यहाँ पे इन्होंने मिक्स किया हुआ है, और भाई इतना सारा आइटम वहाँ पे करते हैं भाई, जो रिएक्शन दे रहे थे इन लोगों को तो थाली देख के ही भूख लग गई। और क्योंकि इन लोगों का अब क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता तो भाई, लेकिन ये है कि वीडियो मुझे बहुत पसंद आया और अच्छा लगा वीडियो भाई, ये रेस्टोरेंट देख के। और भाई इतनी भीड़ है वहाँ पे, मतलब कि बाहर लोग वेटिंग कर रहे हैं यार, वो यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं होता। अरे एक बार इनकी दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं, वहाँ पे कोई बोल देता है कि भाई 5 मिनट रुक जाओ, बंदा अगली दुकान पे जाके सामान ले लेता है, वहाँ ज़्यादा वेट नहीं करता। तो भाई ये यहाँ पे लोगों को टेस्ट है और अच्छी क्वालिटी का खाना दे रहे हैं, तभी लोग वहाँ वेट करते हैं यार कि मेरा नंबर आएगा तो हम जाएंगे वहाँ पे। और भाई जो महाराजा थाली उसका नाम रखा है, तो भाई महाराजा वाली पूरी फैसिलिटी देते हैं वो, एक जैसे महाराजाओं के टाइम पे होता था कि हाथ धुला, कोई हाथ धुलाता था और जिसे चेयर पे रखी हुई है उन्होंने भाई बैठ के सेल्फी ले सकते हो आप, और पूरा महाराजों वाली फीलिंग आती है। तो भाई देख के मज़ा आया यार ये वीडियो, तो ये वीडियो भी मैंने, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, तो इस पर भाई ज़्यादा रिएक्शन वगैरह थे नहीं, तो यही 6-7 रिएक्शन थे, और बंदों ने इस पर रिएक्शन ही नहीं किया है, तो नहीं तो आप लोगों को और सारा रिएक्शन ऐड करके दिखाता। तो आई होप सो आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो भाई लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।